Hello, hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu Young Wonders. This is Amit Rora, your master teacher for English. And कैसे हैं मेरे rock stars? Okay, CBSE 6 वाले मेरे सारे बच्चे get super excited. Amit Rora लेकर आया है आपका fair play का super awesome chapter आज का दिन. आज के वीडियो में क्या क्या करेंगे तो बेटा पहले पहले अमित सर आपको देंगे पूरे के पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दैट इज व्हाट इज द होल डील अबाउट पूरे के पूरे चैप्टर का समरी दैट इज व्हाट द चैप्टर इज टॉकिंग बेटा हम लोग इस चैप्टर के मॉरल्स भी पढ़ेंगे बोले तो इसमें हमको क्या सीख मिली है देयर विल बी चाय फाई क्विजेस एंड में बेटा आएगा होमवर्क के सवाल तो प्लीज एंड तक रुकना डेफिनेटली होमवर्क का सवाल का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे देना एंड आई विल टेक योर नेम इन माई नेक्स्ट लाइव वीडियो चलो बेटा वैसे तो यू गाइज नो मी My name is Amit Rora. I'm your English YouTube master teacher. And remember, everybody watching this video right now, tum sab ho mere readers, writers, and my achievers. Okay, beta, do not forget, ye ek premiere video hai, live video nahi hai. Jaise hi video premiere hoga, week quiz ka ek link description box mein aa jayega. Definitely first watch the video, chapter samajh lena, week quiz khelna, tell me your score in the comment section and screenshot nikal ke Instagram pe post karna, mere ko tag karna the_Amit_Rora, I will repost it. Talking of Instagram, beta, mere saath jude raho. To maine apne Insta page pe daale hai bahut sare hacks, shortcuts, mind maps, word banks. डेफिनेटली फॉलो मी बेटा अगर किसी भी प्रकार की आपको दुविधा दिक्कत आती है आस्क मी योर डाउट्स ऑन दिस टेलीग्राम आईडी एंड अब इस चैनल पे मेरे को आप लिंक अपने ज्वाइन करो इफ यू वांट सेशन पीडीएफ्स एंड स्टडी मटेरियल एंड ईमेल करना है तो बेटा ईमेल कर सकते हो चलो सो पीपल इसी के साथ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर सारे के सारे बच्चे जो अभी कभी देख रहे हैं बेटा लाइक बटन दबा दो प्लीज हमें सबको प्यार दिखाओ एंड सब्सक्राइब करो जुड़े रहो बेल आइकन को दबा दो एंड शेयर करो फ्रेंड्स को बुलाओ वी आर गेटिंग स्टार्टेड चलो तो बेटा शुरू करने से पहले ना अमित सर को लगा हम थोड़ा आपके दिमाग में खाना डालेंगे तो सुनो पीपल अभी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आपकी क्लास टीचर ने आपको बोला है उसके साथ इनविजिलेट करने को सर व्हाट इज इनविजिलेट इनविजिलेट का मतलब होता है सुपरवाइज व्हाट सर अ टेस्ट ओए होए मजेदार क्लास में टेस्ट चल रहा है आपका टेस्ट खत्म हो गया क्लास टीचर ने बोला ठीक है बेटा तुम अपना पेपर दे दो अभी तुम सुपरवाइज करो मेरे साथ और देखो कोई बच्चा मस्ती नहीं करे पीपल सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है अभी यू सी योर बेस्ट फ्रेंड चीटिंग ऑन द टेस्ट ओहो हो आपने ये देखा कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपका अच्छा दोस्त बैठ के कर रहा है चीटिंग तो बेटा दिस इज नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आप क्या करोगे वुड यू रिपोर्ट हिम वुड यू टेल द टीचर वुड यू लेट गो विल यू इग्नोर एंड फॉरगेट मुश्किल सवाल है ठीक है अभी चीटिंग तो हुई है गलत काम तो हुआ है आपका धर्म आपकी ड्यूटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलती है कि उसको बोलो दैट इज टीचर को बताओ सर हेलो यू आर कॉपिंग यू कांट कॉपी ये लेकिन है आपका बेस्ट फ्रेंड आपने एक बार बोल दिया फिर तो खत्म बात ही नहीं करेगा आपसे सो पीपल दिस इज द इश्यू आज के चैप्टर में ठीक है तो इसी के साथ शुरू करते हैं अभी सुनो बेटा आराम से बैठो ठीक है खाने की प्लेट ले लो दूध का कप ले लो चाय का कप ले लो और सुनो स्टोरी को बहुत मजेदार है तो इस स्टोरी इज अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ टू फ्रेंड्स रियलाइजेशन का मतलब टू नो समथिंग ठीक है हु अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड राइट थिंग्स बेटा जस्टिस मतलब के फेयरनेस इक्वालिटी बोले तो सबके लिए लॉ सेम है एंड राइट थिंग्स मतलब कि सही चीज सही तरीके से करनी है ये लेसन उस बारे में ठीक है चलो तो बेटा यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं जमनन शेख एंड अलगू चौधरी बेटा स्पेलिंग प्लीज याद रख लेना तो हमारी जम्मू जी है और अलगू जी है जम्मू जी मैं इसको बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी मर्जी बट यू हैव टू रिमेम्बर तो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ठीक है चलो तो बेटा नाउ लॉयल्टी एंड सर्विस सर्विस बोले तो हेल्प लॉयल्टी मतलब कि यू नो उसी का साइड लेना दोनों के दोनों फेमस है थ्रू आउट द विलेज मतलब जाने जाते हैं सर दोनों का फेमस है फ्रेंडशिप और लॉयल्टी ये उसको सपोर्ट करता है वो इसको सपोर्ट करता है हर बार हमेशा नाइस ना चल पीपल नाउ बीइंग फ्रेंड्स दे सपोर्ट ईच अदर के फैमिलीज आल्सो तो पीपल जम्मू जी अलगू जी की फैमिली को सपोर्ट करते हैं सपोर्ट इन द सेंस के उनका ख्याल रखते हैं अलगू जी जम्मू जी की फैमिली को तो ऐसा होता है ना बेटा अगर आप और एक आपका फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है तो आप और आपके बेस्ट फ्रेंड की फैमिलीज भी जुड़ जाते हैं उसकी दीदी आपकी दीदी उसकी मम्मी आपकी मम्मी है तो ऐसे सॉर्ट उसके कजिन्स आपके कजिन्स ऑल ऑफ दिस इज टिपिकल पीपल है ना मजेदार चलो नाउ बेटा एक दिन ना
क्या हुआ, जम्मू, जमन की आंट ने ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू जमन. तो बेटा ट्रांसफर होता है मतलब इन द नेम ऑफ. तो आंटी जी, जम्मू की आंटी ने अपना घर जम्मू के नाम पे कर दिया है. सॉर्टेड, तो जम्मू का घर हो गया. बेटा प्लीज रिमेम्बर, नाम पे कर देना मतलब लीगली लॉ के तौर पे अभी जम्मू हो गया उसका ओनर है. भाई मजेदार. चलो पीपल, उसने एक कंडीशन रखी, कंडीशन मतलब के शर्त. द वन कंडीशन वॉज दैट तुम मेरी जिंदगी पर केयर करोगे. भाई बेटा बूढ़े लोग और क्या चाहते हैं, ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते हैं सब ले लो हमसे. हाँ, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी, मतलब मेडिसिन, फूड, माई कम्फर्ट, क्योंकि मैं और कहाँ जाऊंगी. ठीक है, इजी पीजी. चलो जम्मू ने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे आंटी आप तो हमारे ही हो, चलो चलो. लेकिन ना बेटा थोड़े साल के बाद ना चेंज हो गया. पहले बहुत बढ़िया था, कुछ साल तक मक्खन जैसे चले, थोड़े साल के बाद ना बेटा बिहेवियर चेंज. अभी ये भी नॉर्मली होता है पीपल समाज में. बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो आगे बढ़ते हैं. एंड पीपल उनको ना, ही डज नॉट ट्रीट हर वेल, मतलब कि ना रूडली बात करता था. शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल ट्रबल. ही डज नॉट गिवन गिवन हर फूड, मतलब ऐसा नहीं होता था. लेकिन ना बेटा उसको ना इंसल्ट सुनना पड़ता था. जम्मू की वाइफ उसको एटीट्यूड देती थी कि क्या खाना खाती है, जो भी है हमारे घर का ये वो. पीपल अभी ये यार मतलब दिस इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा था. तो जम्मू, जमन एंड जमन की वाइफ उसके आंटी को अभी गंदा ट्रीट करते थे, जबकि आंटी ने अपना घर उनके नाम पे कर दिया था. सिचुएशन समझ में आ रही है? चल अभी बेटा फाइनली थिंग्स गो बियॉन्ड लिमिट. बियॉन्ड लिमिट का मतलब है पानी सर से ऊपर हो गया. आंटी अभी और झेल नहीं पाई, तो आंटी ने जम्मू को बोला, जमन को बोला कि देख भाई मेरी तो नहीं जम रहा है, यू गिव मी सम मनी एवरी मंथ. आंटी ने बोला मैं खुद का किचन लगाऊंगी, घर तो नहीं बदल सकते, मेरे को तेरी वाइफ खाने देने पे रोती है, मैं खुद का किचन लगा के खुद का खाना बनाऊंगी, बट आई नीड मनी. बेटा दादी माँ कांट वर्क, दादी माँ कैसे काम करेगी ना, एंड कैसे पैसे कमाएगी, तो शी इज डिपेंडेंट ऑन जम्मू. चलो पीपल अभी जमन ने बोला चल रहे, एंड जमन उसकी और आंटी की इंसल्ट कर देता है. तो बेटा ये भी होता है, विच शुड नॉट हैपन. ऐसा प्लीज मत करो, ऐसा प्लीज मत बनो. ठीक है, तो जमन ने बोला चल चल आंटी, क्या आपको पैसे दूंगा, मेरे पास यहाँ पे पैसे रखे हैं क्या, जैसे कि दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस, एंड उसको नहीं दिए पैसे. ठीक है चलो पीपल. एंड अभी आंटी ने बोला बेटा रुक. तो आंटी टुक द मैटर टू पंचायत. तो बेटा पंचायत क्या होता है, विलेज लेवल पे ना डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोले तो आपका गांव है, गांव में पंचायत इज द किंग, वहां पे कोर्ट्स नहीं होते हैं. यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड लेबर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. तो वहां पे ना पंचायत के पास जाके इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स, वहां के सारे बड़े बैठते हैं एंड उनके पास डिसीजन लेकर गए. चलो तो बेटा जम्मू जी की आंटी ने बोला कि ठीक है पंचायत में बैठेंगे. एंड एंड पीपल, तो क्या होता है ना, जो जिसको प्रॉब्लम होती है ना वो पंच को सिलेक्ट कर सकता है. पंच मतलब हेड. तो जम्मू जी की आंटी ने अलगू को चुना, अलगू को बोला बेटा तू बनेगा इस डिसीजन का, इसका डिसीजन मेकर एंड हेड पंच. तो अभी तेरे को डिसाइड करना है. अभी अलगू फंस गया बेटा, क्योंकि अलगू का बेस्ट फ्रेंड इज जम्मू, आंटी थी जम्मू की. ठीक है, तो सुनो भी. तो अलगू बन गया हेड ऑफ द पंच एंड ही डिसाइड्स टू स्पीक द ट्रूथ विदाउट फेवरिंग, विदाउट सपोर्टिंग हिज बेस्ट फ्रेंड. बेटा अभी देखो, जो सही है वो सही है, बेस्ट फ्रेंड एक तरफ, प्यार एक तरफ, लेकिन रूल्स एंड लॉज एक तरफ. अभी जम्मू अपनी आंटी के साथ गलत कर रहा था, तो बेटा वो गलत है ना, लेकिन ऐसा होता है ना फ्रेंडशिप पे, हमको सही गलत नजर ही नहीं आता है सर, हम तो सेम टू सेम हो जाते हैं. देखो बेटा दैट इज अ बैड थिंग. चल तो बेटा नाउ अलगू वॉज फेयर विच इज ऑसम एंड लुक एट दिस आंटी, आंटी एकदम स्वैग वाइफ बन रही है. जजमेंट इज गिवेन इन द आंट्स फेवर. तो बेटा आंटी के सपोर्ट में उन्होंने डिसीशन सुनाया. ठीक है, दैट इज के आंटी को सपोर्ट करेंगे एंड जम्मू को आंटी को पैसे देने पड़ेंगे, या तो आंटी के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा. सॉरी, वन ऑफ द टू है पीपल, क्या बात है. चलो तो पीपल जम्मू हुआ बहुत गुस्से में. जमन ने बोला अच्छा बच्चू, मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे खिलाफ हो रहा है आंटी की वजह से. ठीक है, एंड पीपल जमू ने बोला ठीक है, आई विल गिव हर द फिक्स्ड मंथली अमाउंट एज पर द जजमेंट. अभी वो तो सुना दिया है, तो मैं उसको अलाउंस दूंगा, आंटी अपना खुद का खाना मैनेज करेगी, मेरी बीवी चुप बैठेगी, शांति से जिंदगी चलेगी. आंटी ओपी, आंटी वन. ठीक है,
पीपल हो गया, चल अभी देखो। पीपल जर्मन डज नॉट टेक इट वेल एंड स्टार्ट्स हेटिंग अलगू। तो दोनों ने बात करना बंद कर लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार खड़ी हो गई। ओपी जो टिपिकल बेस्ट फ्रेंड्स में होता है, एंड उसने बोला आई हेट यू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू। पीपल सो सैड ना, तो अलगू का भी दिल टूट गया, बट वेरी वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ, बट अभी क्या करें यार। चल पीपल चाय फाय क्विज़ेस सारे बच्चे आंसर करेंगे। द आंट एक्सपेक्टेड द विलेज पंचायत डैश टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग टू गेट हर बैक हर प्रॉपर्टी टू डू जस्टिस या टू पनिश जमन। ए और बी और सी और डी। बेटा बैठे मत रहो, लाइव चैट में आंसर स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट करो। नहीं आता है तो बेटा टेक्स्ट बुक खोलो, वीडियो को पॉज करो, ढूंढो आंसर को एंड लिखो, एंड अनपॉज करके वीडियो देखो। वैसे भी प्रीमियर है, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 मोर सेकंड्स टू राइट द आंसर। 2 1 दिखा दे आंसर। चलो बेटा क्या बात है, आंसर इज टू डू जस्टिस, ठीक है। और कुछ नहीं करना था उसको, उसको खाली सही डिसीजन चाहिए था, बिकॉज शी न्यू कि शी वाज राइट। चलो अभी बेटा थोड़े दिन बीत गए, अलगू के हालत खराब हो गई, टफ सिचुएशन, मतलब कि ना पीपल फाइनेंशियली उस पे दिक्कत आ गई, अलगू की अभी बैंड बज गई। तो पीपल अभी अलगू का एक जोड़ा ऑफ बुलक्स, बुलक्स वो होता है जो फार्मिंग में लगता है जानवर, ठीक है, वो मर गए। सो बेटा ही सेल्स हिज अदर बुलक टू समझू। तो पीपल उसके पास एक जोड़ा था, उसमें से एक बुलक मर गया, तो उसने दूसरे बुलक को बेच दिया ताकि उसके पास पैसे आए, क्योंकि वो कुछ तो कर सके, दो बुलक के बिना बेटा वो चला नहीं सकता है, तो उसने समझू को भेजा। सो नाउ यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, अलगू ने समझू को भेजा। चलो पीपल अभी ही हैड टू पे द मनी इन अ मंथ्स टाइम, लेकिन बेटा अभी समझू को अलगू को पैसे देने थे, उसने अपनी बुलक तो उसको बेच दी। बेटा एक ही महीने के अंदर वो जो बुलक अलगू ने समझू को बेची वो भी मर गई, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पेमेंट। मतलब एक्सपायरी मतलब कि फिनिश। तो बेटा एक पीरियड होता है पेमेंट का, सुनो पीरियड होता है मतलब कि ना मैंने आपको आज गुड्स दे दिए, यू कैन पे, पीपल ईएमआई बोलते हैं ना, यू कैन पे इन अ मंथ्स टाइम या यू कैन पे इन 15 डेज टाइम। अभी बेटा आपको जो प्रोडक्ट दिए हैं वो उसी पीरियड में खराब निकले हैं, तो आप तो प्रोडक्ट वापस करोगे ना कि ये क्या क्या किया आपने। तो बेटा इसके पहले के समझू उसको पैसे दे पाता, वो बुलक ही मर गया, आप समझ रहे हो पीपल। चलो अभी समझू ने बोला declines मतलब के said no। समझू ने बोला मैं तो पैसा नहीं देने वाला हूँ भाई साहब, ठीक है, क्योंकि तेरी बुलक ही ऐसी थी, इतनी खराब थी, जो तूने मुझे गंदा ये चीज भी पीपल इट वॉज एन एनिमल। अभी लेकिन हो सकता है डिजीज हो सकता है कुछ जानलेवा बीमारी हो या जो भी है। अलगू ने बोला ठीक है भाई, अभी मैं जाऊंगा पंचायत के पास एंड मैं जस्टिस लेके आऊंगा, ठीक है पीपल। सो अभी ऐसे हुआ। नाउ पीपल समझू ने पंचायत में जाते ही आवाज उठाई और जमन जी को उठाया पंच के तौर पे, एंड जमन को बोला कि ना चल लगाते हैं दोनों में फिर से झगड़ा, जमन बनेगा आज का पंच। वैसे भी जमन इसके खिलाफ बदला लेगा, वैसे भी अलगू को हेट करता है, क्योंकि अलगू ने उसको उसके आंटी को दिलवाया था मंथली अलाउंस। देख रहे हो, समझ रहे हो पीपल, सो स्मार्ट ना आज समझू इस। चल तो लेकिन बेटा जैसे ही अलगू हमारा बैठा एट द पोजिशन, अलगू नहीं रे जमन, पीपल जमन सॉरी, ठीक है, जैसे ही जमन हमारा बैठा पंच के तौर पे, तो जमन तो समझ गया कि पंच का पोजिशन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदरणीय, सारे के सारे लोग लुकअप करते हैं उसको, ही हैज टू गिव द करेक्ट डिसीजन एंड द प्रॉपर डिसीजन। सो पीपल अंडरस्टूड द ग्रेविटी, Gravity means importance of the responsibility. वो समझ गया कि मुझे अच्छा decision देना है, सबके हित में देना है, मैं मस्ती मजाक नहीं कर सकता हूँ। चलो people, he also understood how this position is above everything in this world, मतलब very very important, अलगू नहीं जम्मू। तो पीपल जमन ये भी समझ गया कि नहीं अभी मेरे को मेरा पुराने झगड़े, मेरे को पुराने बदले नहीं निकालने हैं, मेरे को फेयर होना है। एंड पीपल इवन दो, ठीक है, अलगू वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग द केस, अलगू को तो लगा था भाई साहब मेरा केस जाने वाला है, क्योंकि जमन मेरे को हेट करता है, जमन आंटी का बदला निकालेगा। पीपल जमन ने सच बोला, जमन एक्चुअली डिड जस्टिस, एंड पीपल उसने जजमेंट पास किया, जजमेंट मतलब कि डिसीशन इन फेवर ऑफ अलगू, इन फेवर मतलब सपोर्टिंग अलगू। तो उसने बोला यस, अलगू डिजर्व्स पेमेंट,
समझू को अलगू को फुल पेमेंट देना पड़ेगा, बुलक मर गई समझू के पास, अलगू की कोई गलती नहीं है, सॉरी एंड पीपल समझू साहू हैड टू पे द मनी टू अलगू. नाइस ना, पीपल सो कूल, उसने ही वॉज फेयर इन हिज डिसीजन. चलो तो बेटा दिस इज वॉट इट इज, that the feeling of bringing justice was so overwhelming to Algu that now people usne bola ke panch ki awaaz is the voice of God. Overwhelming matlab ke important. Abhi wo itna khush hua usne bola waqai mein bhagwan agar justice karta hai to hamara panch justice karta hai. It is that important. That's all people. So abhi sun lo. चैप्टर खत्म. मजेदार था ना पीपल, बहुत अच्छा चैप्टर लगा मेरे को. तो इसका मॉरल क्या है? मॉरल मतलब कि इस चैप्टर का लर्निंग या मैसेज क्या है? लेट नो वन डिविएट. डिविएट का मतलब होता है भटकना, अलग होना फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी. बेटा आपकी चाहे दोस्ती हो, आपकी चाहे दुश्मनी हो, लेकिन जो सही है वो सही है. तो बेटा अगेन, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड चीटिंग कर रहा है, यू हैव टू रिपोर्ट इट. दैट मीन्स योर बेस्ट फ्रेंड इज अ चीटर. नॉट गुड यार, नॉट कूल बेटा. क्योंकि बेस्ट फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप के नाम पर गलत चीजें कत्ते ही नहीं करोगे और नहीं करना है. चलो बेटा ये हो जाए चाय फाय. विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी? बेटा मेरे को कंक्लूजन बताओ. नो वन शुड किल देयर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, बोले तो पूरे चैप्टर का सारांश क्या है? लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ. ओ माय गॉड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड. ऑल ऑफ द अबव, ए और बी और सी और डी. मस्त सवाल है बेटा. आप पॉज करो वीडियो को, शांति से सोचो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, फिर आंसर लिखो. लेकिन सारे के सारे बच्चे लाइव चैट में आंसर लिखेंगे एंड कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे. दिखा दे आंसर, हो गया, देख ले. I'm giving the answer in 3, in 2, in 1. People correct all of the above. All of them are actually recurring themes throughout the chapter. That is the beauty of this chapter. Chalo, beta thoda vocab karenge, fir homework sawal, then I'm done. Indifferent matlab ke na beta, lacking in interest. Bole to no interest, not bothered. Kya? Ignore. Chalo. Wretched hona na matlab ke bahut gandi quality ka hona. Theek hai? And now bahut gusse mein bhi hona. Theek hai? अच्छा, डिग्निटी मतलब कि बेटा आपकी इज्जत होना, ऑनर्ड रिस्पेक्टेड होना. पेनी मतलब कि ना बेटा एक पैसा होना, सबसे छोटा, जैसे इंडियन पैसा होता है, एक पैसे भी नहीं दूंगा. देखो टाइट स्पॉट मतलब कि ना बेटा कोई बहुत टफ सिचुएशन में होना, फाइनेंशियल की हालत में खराबी होना. सेल्डम मतलब कि बहुत ही कम कम कम, रेयरली, कभी कभार, ईद का चांद होना. चलो कॉन्शियंस बेटा मतलब कि आपके अंदर की आवाज. सो अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग व्यूड एज एक्टिंग एज अ गाइड. मतलब कि आपको अगर चीटिंग का चांस मिले, आप करोगे कि नहीं? आपको अगर चोरी का चांस मिले, आप करोगे कि नहीं? ऑल ऑफ दैट इज योर कॉन्शियंस. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. चलो पीपल डन रैंडर. इसी के साथ होमवर्क के सवाल सुन लो, देख लो तो देख लो. व्हेन जमन की आंटी को ये पता चला कि शी वाज नॉट वेलकम इन हिज हाउस, व्हाट अरेंजमेंट डिड शी सजेस्ट? बेटा मेरे को जल्दी जल्दी 20 वर्ड्स में ये आंसर लिख देना इन द कमेंट सेक्शन. आंटी ओपी ने क्या बोला कि अच्छा ठीक है, मेरे को उसके बदले में क्या कर दो, बताओ 20 वर्ड्स में बताओ. अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट. बेटा अलगू की प्रॉब्लम क्या थी, अलगू के साथ क्या बीता, ये मेरे को 40 वर्ड्स में कम से कम आंसर चाहिए. तो एक छोटा आंसर, एक लंबा आंसर मैं आपको दे रहा हूं. मैं इसका PDF डाल दूंगा द डे द वीडियो प्रीमियर्स ऑन माय टेलीग्राम, ऑन माय इंस्टाग्राम. बेटा रेफर कर लो और आंसर लिखना है सारे के सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में. That's all, people. इसी के साथ once again Amit sir is requesting you, बेटा मेरे को Instagram पे follow करना, Telegram पे मेरे से जुड़े रहना, and email करना है तो email कर देना. Thank you so much for watching my video. I had a lot of fun. बेटा जाने से पहले definitely like button दबा के जाना, subscribe का bell icon दबा दो, video के नीचे घंटी दबा दो, and people share करो सबके साथ, comment section में homework लिख देना. अगर enroll करना है बेटा तो सारे enrollment links description box में present है. Grade 6 वाले बच्चे grade 6 का link दबाएंगे and अंदर discount मिल जाएगा, enroll कर देना. Until we meet again, please take care, please stay safe. This is Amit sir, signing off.